अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक एयर शो के दौरान एक भीषण हादसा हो गया। यहां डलास में आयोजित एयर शो के दौरान दो वॉर प्लेन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक प्लेन बीच से दो टुकड़ों में बट गया, तो वहीं दूसरा प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों प्लेन द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त के थे। घटना स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1:20 पर हुई। हालांकि हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, खबर लिखे जाने तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन एयरफोर्स के मुताबिक दोनों विमानों में 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल शनिवार को अमेरिका के डलास शहर में द्वितीय विश्व युद्ध की यादें ताजा करने के लिए कोमेमोरेटिव एयर शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA की तरफ से किया गया था, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचे थे। एयर शो चल ही रहा था कि अचानक एक बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्टिस बॉम्बर बेल P-63 किंग कोबरा फाइटर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमानों से आग का गोला उठा और मौके से धुएं का भारी गुबार उठा। हादसा डलास एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर हुआ, तो मौके पर एयरपोर्ट कर्मचारी भी फौरन पहुंच गए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि हादसे की वजह क्या थी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन FAA की तरफ से कहा गया है कि हमारी जांच एजेंसी और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड दुर्घटना की जांच करेंगे। बता दें कि ऐसा ही एक हादसा 2 अक्टूबर 2019 में भी हुआ था, जब B-17 प्लेन ब्रैडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हुए थे। ये घटना भी एयर शो के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने जांच के दौरान पाया था कि पायलट की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।